YouTube channel. In this video, we are going to learn class 10th English worksheet number 17 dated for 17th of August. Dear students, last worksheet of English is from A Letter to God, the chapter of your prose book. This worksheet is also related from the same chapter where Lencho, a farmer whose crop has been destroyed by the hailstorm, was very sad and was unhappy. One day he thought that he should write a letter to God and ask him some money so that he can feed himself and the family for the year and buy seeds for the next crop. छात्रों, इस वीडियो ये जो वर्कशीट है यहाँ पर उसी की आगे कहानी बताई गई है कि कैसे लेंचो भगवान को पत्र लिखता है और पोस्टमैन उसको पा करके उसके फेथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। वीडियो को हम इंग्लिश हिंदी दोनों में मीडियम के छात्रों के लिए बना रहे हैं, तो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी समझा देंगे ताकि दोनों स्टूडेंट्स आप इसे देख सकें। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइमर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जितनी भी वीडियोज़ हैं आपकी वो हम अपलोड करते रहेंगे और ताकि वो आपको मिलती रहें, आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको नीचे पर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैराग्राफ कांस दिया गया है चैप्टर का, उसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। गॉड ही रोट, तो लेंचो पहुँच गया पोस्ट ऑफिस, लेटर लिया और लिखना शुरू किया। भगवान ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे मैं और मेरी फैमिली पूरी इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 pesos उसकी ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में बीज खरीद के बो सकूँ, सो मतलब बोना, और जब तक नई फसल नहीं हो जाती तब तक हम अन्न खरीद के खा सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म था इसने बहुत बुरा कर दिया। ही रोट, उसने कहा, टू गॉड टू द एनवेलप, और उसने उसके जो लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और क्या किया, पुट द लेटर इन साइड द एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने पत्र को लेटर बॉक्स में डाला और अपने टाउन वेंट टू टाउन अपने घर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, सॉरी टाउन यानी जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे डालने के लिए वो चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुँच के ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वहाँ पे स्टैम्प लेके उसने स्टैम्प लगाया लेटर के ऊपर, ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने क्या कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लाई, एक कर्मचारी, हु वाज द पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन ही था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जो सहयोग करता रहता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, काफ़ी तेज से हंसते हुए, शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जैसे उसने लेटर टू गॉड देखा वो हंसते हुए उसके अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, ये देखिए ये लेटर टू गॉड है। हमने तो अब तक, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं वो जितने भी लेटर्स होते हैं उनको उनकी पिन कोड लिखा होता है, कहाँ पे उनको भेजना है टू, उस हिसाब से उनको वो प्रिपेयर करके सेंड करते हैं। जब उसने टू गॉड देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया और हंसने लगा। पोस्ट मास्टर के पास गया, पोस्ट मास्टर कैसा था, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसने कभी यह एड्रेस नहीं सुना था कि भगवान के लिए। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो थोड़ा मोटा, और एमिएबल मतलब होता है काइंड और दोस्ताना, तो जो काइंड और दोस्ताना था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन यकायक बहुत गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, अपने डेस्क पर यानी मेज पर लेटर को टैप यानी पटकते हुए उसने कमेंटर उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास भी उस आदमी जैसा फेथ होता। स्टार्टिंग अट पे करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ताकि मैं अभी भगवान के साथ करस्पॉन्ड मतलब पत्र व्यवहार कर सकता। ये पढ़ लिया, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट अबाउट हिज कैरेक्टर इज
लाइट हाईलाइटेड ही है। तो यहाँ उसने उसको गार्ड को क्या किया, पत्र लिखा, तो उसका यहाँ पे कौन सी करेक्टर हाईलाइट हो रहा है, तो फेथ इन गॉड। पत्र लिखने में हार्डवर्क नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, लेजीनेस नहीं है, फेथ इन गॉड, इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो भगवान को ही पत्र लिख दिया। नेक्स्ट है, फिश कोड डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या कोड है। 4 कोड दिए गए हैं। फर्स्ट है, स्टार्ट एवरी डे विथ अ न्यू होप, लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर ए बेटर टुमारो। एवरी अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट विथ द डिसीजन टू ट्राई, नथिंग इज इम्पॉसिबल ओनली इम्प्रोबेबल, द क्लियरेस्ट वे इन टू द यूनिवर्स इज थ्रू द फॉरेस्ट वाइल्डनेस, जॉन म्यूर। ये 4 स्टेटमेंट है। तो इस जो आपका स्टेट है उस पर सबसे ज़्यादा कौन सा ये जो है कोटेशन अप्रोप्रिएट बैठता है, सबसे उपयुक्त है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि एवरी डे आपने ही होप जो लेंचो ने होप के साथ की, उसकी जो बैड मेमोरीज थी उसे भूल गया, उसके पास आगे की थी कि कैसे हमें साल बिताएंगे, कैसे बोना है, कैसे खरीदना है, और उसी लिए उसने क्या किया अपने अंदर और उसे भगवान के अंदर फेथ था। तो फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एमिएबल इज ए वर्ड नोन टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट अबव, आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग टिक द मोस्ट एक्यूरेट assertion फ्रॉम द ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन बिलो। एमिएबल काइंड होता है, फ्रेंडली भी होता है, वार्म मतलब जो गर्मजोशी वाले होते हैं उस तरह के। तो यहाँ पे आपका 1 and 3, अनफ्रेंडली नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। 2 निकाल दीजिए, 1 and 3, डी आपका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास की ये वर्कशीट नहीं कंप्लीट होती। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करते रहिए, वियर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड एंड मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस वेन एवर यू गो आउटसाइड, और जब हो सके तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचते रहिए। थैंक यू।